औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आज का एक बहुत अहम टॉपिक लेके आया हूँ, जो अगले 2 महीनों में इस पे हमें प्रॉब्लम में से गुजरना है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्मॉग का है। स्मॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अभी तक लोगों इसको समझ नहीं पा रहे। तो आज का ये मेरा प्रोग्राम जस्ट फॉर द अवेयरनेस पर्पज के लिए मैंने किया है, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये स्मॉग है क्या चीज है और इसकी रेमेडीज क्या है और ये बनती कैसे है, इसके पीछे क्या हालात है। तो पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन स्मॉग है, स्मॉग नहीं है। तो ये बेसिकली ड्राइव्स ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक प्लस फोग, इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये स्मॉग बन जाती है। अब क्योंकि यहाँ अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये फिर आपके लिए प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस विद डस्ट एंड वाटर वेपर्स, तो ये चीजें जब मिलती हैं तो फिर ये स्मॉग बन जाती है। अब स्मॉग का अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें, धुआं और फॉग जब ये इकट्ठे हुए तो ये स्मॉग बन गई। अगर इस स्लाइड को देखें वो इसके जो आगे केमिकल रिएक्शंस बनते हैं वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये अब अगर गौर से देखें तो पोल्यूशन जो है ना, हाउ स्मॉग इज फॉर्म्ड, द एटमॉस्फेयर पोल्यूट और गैसेस दैट फॉर्म स्मॉग आर रिलीज इन द एयर व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड व्हेन सनलाइट एंड इज हीट रिएक्ट विद दीज गैसेस एंड फाइन पार्टिकल्स द एटमॉस्फेयर स्मॉग इज फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पोल्यूशन की वजह से ज्यादातर जो हमारे ना वो स्मॉग की वजह बनती है। दो किस्म की स्मॉग है, एक प्राइमरी स्मॉग है जो मिटेड डायरेक्टली इन दी एयर, जो सारा साल हमारा वो इकट्ठे होके वो चल रही होती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो रहती हैं, और फिर जब ये आपस में मिलके डिफरेंट गैसेस कंबाइंड, तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन ये एसिड रेन, एसिडिक रेन बन जाती है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड तो एसिडिक रेन बन के ना ये जो फिर हमारे पे तबाही डालती है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आगे इसके अफेक्ट्स क्या हैं, स्मोक के जो अफेक्ट्स हैं वो इंसानी जिंदगी पे हैं, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और नेचर एज अ होल। तो ये जो हमारी जिंदगी की अजीरन बनी हुई है वो इसकी वजह से, उसको मैं अब बताता हूँ आपको। इंसानी जिंदगी पे सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड बाय स्मॉग वो चिल्ड्रन, बच्चे, खास तौर पे छोटे बच्चे जो 1 साल के 2 साल के न्यूली बॉर्न बेबीज, फिर उसके बाद जो सीनियर सिटीजन बूढ़े लोग, और फिर वो लोग जो पीपल विद एक्सरसाइज आउटडोर, जो बाहर की सैर ज्यादातर सुबह एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, उनके ये इट्स वेरी डेंजरस फॉर पीपल हैविंग अस्थमा और हार्ट डिजीज वाले लोग, इनके लिए तो ये एक किस्म का कह लें जहर कातल है। अब इसके अफेक्ट्स आपको कैसे पता चलते हैं ये बता। एक तो आपको इरिटेशन होती है, बार बार आंखों में जलन होगी, आंखें आपकी बंद करेंगे, कभी गुस्सा चढ़ेगा आपको, इरिटेट होके काफी अपना मूड आपका खराब होगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई अजीबोगरीब चीज आपके इर्द गिर्द घूम रही है। उसके बाद आपका जो पल्मोनरी सिस्टम है, मेम्ब्रेन जो, अगर ये वाली जो मेम्ब्रेन, ये ज्यादा सुकड़ना शुरू करती है। अब ये जब इसको अफेक्ट होता है ना तो आपकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, तो वो जब जिस्म को ऑक्सीजन कम मिलेगी, लोड उस पर कम पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अंदर रहेगी, तो वैस्कुलर जो बनेंगी वो तो उसके अंदर प्रॉब्लम ही आएगा, तो वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे, ये स्लो स्लो एक किस्म की पॉइजनिंग समझ लें। उसके बाद चेस्ट पेन, इट इज आल्सो इंडिकेशन, सुबह के वक्त जो बुजुर्ग सैर करने के लिए जाते हैं उनको एकदम चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, क्योंकि अंदर जाके आपके वैस्कुलर के अंदर जाके ये गैसेस जाके वो श्रिंक कर देती हैं, जिससे खून की सप्लाई आपकी रुक जाती है। उसके बाद कफिंग, खांसी ये भी एक इंडिकेशन है स्मॉग की। गला बड़ा खराब होता है इन दिनों में, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर फारूक चीमा साहब, वो कहते होते हैं जब नवंबर दिसंबर आता है ना तो मेरे तो रश लगा होता है, जो मरीज आते हैं वो
थ्रोट और जुकाम के मरीज होते हैं। और आपका अगर गौर से खुद भी अगर देखें, अगर आप नीचे स्लाइड, तो इस तरह की स्वेलिंग आपको आपके गले की नजर आएगी और सर दर्द साथ होगा। इसके बाद इसे नजला जुकाम कहते हैं, खांसी, नजला जुकाम बच्चों को खास तौर पे ये एक इंडिकेशन है। फिर निमोनिया बच्चों को, अगर इन दिनों में आप हॉस्पिटल जाएं चाहे तो ये निमोनिया का शिकार बच्चे बहुत औरत है। एक तो वो चेस्ट उनकी एक्सपोज होती है और दूसरा जब इनहेल करते हैं तो सारे उनके चेस्ट के अंदर जाके जो उनके फिफड़े हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे निमोनिया का अटैक शुरू हो जाता है। उसके बाद अस्थमा, आपको जैसे बताया जो इनहेलर लेते हैं वो हर वक्त उनको वो जेब में उनके जैसे बाहर निकलते हैं उनको अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो फौरन इनहेल लेना शुरू होता है। अगर उनके पास इनहेलर नहीं होगा ना तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसी तरह वो जो बहुत ज्यादा ओवर स्मोकर है, जिनकी हर वक्त जो दिन में 4-5 डब्बियां सिगरेट पी जाते हैं, उन तो ऑलरेडी वो अंदर उनका कह लें कि पिंजर बना होता है, तो ऊपर से स्मॉग जब अंदर जाती है तो वो फिर उसके जो आर्टी पार्टिकल्स जाते हैं, खासतौर पर सेकेंडरी जो स्मॉग है, तो वो तो आपको वैसे तबाह कर देती है। उसके बाद सबसे जो स्मॉग के दौरान अगले 3 महीने आपके बड़े फैटल होते हैं। अब यहाँ पे सबसे आपको नजर कुछ नहीं आता, लोगों की मजबूरी है, वो मोटरवे पे भी सफर करते हैं, दूसरी जगह भी सफर करते हैं। मोटरवे में तो वैसे बंद कर देते हैं कि एक्सीडेंट ना, फिर भी लोग आते हैं दूसरी सड़कों से। तो ये अगर तस्वीरें देखें तो कोई अच्छा, फिर हम लोग मुतात होते नहीं, बस वो जाके सीधा ठक करके लगते हैं, जिससे बहुत ज्यादा डेथ हो रही है और आपकी हड्डियां टूट रही हैं, आपके हेड इंजरी हो रही है, टांगें टूट रही हैं, और ये सबसे बड़ा और फिर इंजरीज। और इसमें काफी लोग जख्मी हुए, काफी लोग बीमार हुए, अपना उनकी डेथ हुई। अच्छा, तकरीबन लाहौर में अगर मैं बात की जाए अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो 30 से ज्यादा फ्लाइट सफर हुई तो सस्पेंड हो गई। 3-4 दिन तो एयरपोर्ट वैसे बंद रहता है और मोटरवे भी बंद रहती है, 20 मीटर की विजिबिलिटी बिल्कुल उसको नजर नहीं आता। तो इसलिए ये मोटरवे जो लोगों को एडवाइस करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। अच्छा, फिर जब आप मोटरवे बंद होती है, आप वहाँ खड़े होते हैं या एयरपोर्ट पे जहाज नहीं लैंड कर रहा था, लेट आ रहा था, तो वो आपके जो इरिटेशन है ना वो भी आपकी सेहत पे असरअंदाज हो रही होती है। और अब ये सबसे जो चीज आ रही है, जितने इन दिनों में बच्चे पैदा होते हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट जरूर आ रहा है। लेस वेट होगा, कोई ना कोई होंड कटा होगा या अब नॉर्मल और हेड साइज उसका होगा, टिपिकल छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा होगा और जो नॉर्मल से, तो ये सारे ये इसकी वजह से ही आपको खराब कर रहे हैं, स्मॉग की वजह से। इसी तरह फैक्ट्स ऑन फोटोकेमिकल ऑफ स्मॉग, यही चीजें आप सेम चीजें आप परिंदों पे देख लें, उनके उनका भी जानवरों का भी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स अस्थमा, और 30,000 प्री मेच्योर डेथ अकर ईच ईयर कॉज बाय द पार्टिकुलर मैटर्स ना। और फिर इसके अलावा एनिमल्स की भी डेथ इसमें सेम ही हो रही है। परिंदे आप उस दिन में देखें, मछलियां देखें तो मछलियां मरी होती, जानवर मरे होते हैं। और अच्छा, हम जानवरों का दूध पीते हैं, वो भी इनहेल हो के उसके दूध, भैंसों के दूध में भी वो सारे जरासीम इंफेक्ट्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, आपके पेट्स बीमार हो जाते हैं। अच्छा, सेम सिमिलरली आपको वेजिटेशन जो होती है, सब्जियां उस दिनों में देखें आपको स्पॉटेड सब्जियां मिलेंगी, जो उस पर दाग बने होंगे, पत्ते जले होंगे, इस तरह दरख्तों के भी 75% जला होगा। बाज तो दरख्त ऐसे लगता है जैसे आग लगी, लेकिन वो स्मॉग की वजह से ना सब खुश्क हो जाते हैं। और जब रोशनी आपकी एक लेयर बन जाती है, और रोशनी जब उसके ऊपर नहीं पड़नी उसके दरख्तों पे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके लिए लाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो जब लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुकेगा तो ऑक्सीजन जो जो दरख्तों ने छोड़नी है वो रिड्यूस हो जाएगी, दरख्तों की खुराक नहीं बनेगी और ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जज़ब करेंगे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो स्टोमेटा जिनमें है, जिन्होंने ऑक्सीजन छोड़ के
कार्बोनेक्स है, ऑब्जर्व उन पत्तों का हाल देखें कि बिल्कुल डैमेज हुए पड़े हैं। आगे चलते हैं तो आप आपकी नेचर एज दी होल, आप अगर मरी में रात को देखें तो आपको सितारे नजर आते हैं, तारे सारे नजर आते हैं, और अगर लाहौर में या किसी और शहर में जाके देखें तो आपको ऊपर वो आसमान पे बचपन में हम देखा करते थे कि जी वो रास्ता नजर आ रहा है, एक मिल्की वे, वो कुतुब सितारा, ये आजकल के बच्चों को सितारों के ऊपर नजर ही नहीं आते कि ऊपर कुछ सितारे भी कुछ चीज है। वो सारी नेचर, वैसे बाहर निकलने को दिल नहीं करता, हर चीज ऐसे लगती जैसे ड्रोनी ड्रोनी बन गई हुई है। अब इसकी वजूहात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वजूहात नेचुरल कॉजेज हैं, सोशल कॉजेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल कॉजेज पे। यहाँ पे जो नेचुरल कॉजेज में जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग जिसे कहते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खासतौर पर पहाड़ी इलाके में या जहाँ पे फॉरेस्ट है, तो जब वो गर्मियों में जब सख्त हीट होती है, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री तक फारेनहाइट तक गया होता है, और बिजली चमकने से क्या होता है कि नीचे बारूद बन जाता है। जब बारूद बना था तो एक लाइटनिंग, एक शोला जब दरख्त पे गिरती है तो वो आग में कन्वर्ट होती है, और पाइन नीडल्स तो ऑलरेडी वहां पे रेजनस मटीरियल उसके अंदर है, और उसके अलावा ड्राई ग्रासेस हैं वो आगे, ये नीचे बारूद पड़ा है बारूद। अब बारूद को जब आप तीली लगाते हैं तो क्या होगा, वो एकदम जलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी गैसेस, सारा कुछ जल के हवा में, ये आपकी प्राइमरी स्मॉग की वजह बन रही थी जो हवा में जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर कह लें कि दरख्तों का नुकसान सारा, यानी इसको इसका बड़ा ये लंबे, अगर मैं जितनी बात इसको लंबी बना सक बताऊं तो ये शाम तक आपका ये टॉपिक खत्म ना हो। और उसके बाद अच्छा, इनकी वजह से लैंडस्लाइड जब आती है, अगर गौर से देखें तो सारी आपकी जियोलॉजिकली जो डेंजरस आपका होता है, ये हवा में फ्यूम सारे, ये धुआं, ये सारे आपका पानी भी पोल्यूट हो रहा है, और आपकी सारा ये हवा में ये सब कुछ जा रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले वेरी हेल फॉर द ह्यूमन बीइंग। इतना बुरा रोल है इसका कि जितनी आग लगती है उतने ही इसके वो जो है ना धुएं के जो भगोले वो ऊपर एनवायरनमेंट में जाके मिक्स हो रहे होते हैं। तो इसका एक मैं अलहदा प्रोग्राम करूंगा, वो जरूर सुनिएगा कि फॉरेस्ट फायर क्या चीज है। इसके अलावा लैंडस्लाइड का जैसे मैंने पहले बता दिया कि हम सड़कें बना रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, इससे जमीन नरम हो जाती है, उसको बेस खराब होता है, तो फिर वो भी दरख्त नहीं रहते, और जब वो सारी मिट्टी हवा में जा रही होती है, अगर गौर से इस स्लाइड को भी देखें कि कितना खूबसूरत लैंडस्केप है, और जब ये लैंड आपकी जा रही है तो सारी मिट्टी भी वो उसके अंदर जा रही है पानी के अंदर, और आपका डैम भी उनकी भी कैपेसिटी कम हो रही है। उसके बाद टोरेंडो, ये यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़े कम है, लेकिन अगर आप चोलिस्तान में या थार में जाएं या थार में जाएं तो इस तरह के आपको भगोले नजर आएंगे। ये भी सारी मिट्टी उठा के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, जितने सैंड पार्टिकल्स हैं वो सब ऊपर जा रहे होते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक, जलजला आता है जिससे जमीन नरम हो जाती है और काज ऑफ लैंड स्लाइड बनते हैं। तो ये वोल्केनिक इरप्शंस पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में, कई मुल्कों में ऐसे हैं जो ये भी बहुत ज्यादा फ्यूम अपना आग के, इनके जो नेगेटिव फ्यूम्स हैं वो सारे एयर में जाके वो काज ऑफ पोल्यूशन बनते हैं। अब विंड स्टॉर्म, आपको गर्मियों में आपको याद है कि विंड स्टॉर्म बहुत आते हैं, आंधी आती है और आपका पूरा घर को गंदा करके चली जाती है, और खास तौर पर घरेलू खवातीन चीख रही होती हैं, अभी मैंने सफाई की थी तो सारी मिट्टी अंदर आ गई, वो डस्टिंग वगैरह नए सिर से सारा शुरू कर देते हैं, और वो सारा आपको इनहेल भी कर रहे होते हैं। तो ये गर्मियों में, ये खास तौर पर चोलिस्तान के इलाके में, ये जो हमारा साउथ है इस पे ये सबसे ज्यादा ये फजा में ये मिट्टी लेके ऊपर जमा हो रही होती है। इसके बाद ये तो मैंने आपको नेचुरल फैक्ट्स बता दिए, कॉजेज बता दिए, अब आ जाए सोशल कॉजेज। क्या सोशल कॉजेज में सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम रोजमर्रा जिंदगी को अगर देखें तो आपको हर तरफ ये रुथलेसली
ये गैसेस आपको नजर आ रही हैं, ग्रास ये जहाज गुजर रहा है उसका धुआं भी, और ये जो जिनके इंजन खराब हैं, पुराने इंजन हैं, सिलेंसर नहीं ठीक, ये कंटिन्यूसली पॉइजनस गैसेस हवा में छोड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये किसी रोड पे चल जाएं, रक्षा स्कूटर ये जितने हैं, ये सब के सब गैस छोड़ रहे होते हैं। अच्छा, फिर आप अक्सर देखें कि एमिशन फ्रॉम आयल रिफाइनरीज, इनका सारा धुआं, इनका ये इस वक्त ये जो आपको ब्ला नजर आ रही है ना, ये काज ऑफ ये स्मॉग ही समझें, ये जो ब्ला है, तो ये देखें सारा धुआं ऊपर जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप महमूद बूटी की तरफ चल जाएं, लाहौर के शहर के बाहर चलते हैं, वहां पे टायर जला रहे होते हैं, बूटियां जला रहे होते हैं, और वहां पे कह रहे हैं कि उस एरिया में जाके आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या खलवाड़ हो रहा है, और अभी तक उसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, बस मन चले ये देखे टायरों से आवाजें निकाल के ये धुआं निकल रहा है, और ये इतनी डेंजरस गैसेस होती हैं जो जाके एसिडिक रेन का मौजब बनती हैं। अच्छा, दुनिया सारी में ये जो पावर प्लांट्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी सारी गैसेस हवा में, अब साहिवाल में हमारा लगा है प्लांट्स, लेकिन आज से 5 साल बाद उस एरिया के लोगों से सर्वे कीजिए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है या होगा। वो हालांकि उनको चाहिए था कि इर्द गिर्द वहां पे कम 1000 हेक्टर में वहां पे प्लांटेशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट में प्लांटेशन का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद आ जाएं फैक्ट्रीज, अब कालाशाह काकू जाके अगर आप गाड़ी से बाहर निकल जाएं, खड़े हो जाएं, आपसे सांस नहीं लिया जाएगा, गाड़ी के शीशे बंद, अंदर बदबू आ रही होती है, और अब तो ये फैक्ट्रियां घर घर में बनी हुई हैं। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ क्या हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक्सरसाइज में जब कोई जंग होती है या कोई एक्सरसाइज होती है, उसमें भी वो बारूद जो है ना, वो भी हवा में जमा हो रहा होता है। अच्छा, फिर हैवी ट्रैफिक, आप अक्सर लाहौर में देखें ट्रैफिक बंद फैल रही होती है आपके, बंद बिल्कुल, और मिट्टी। अच्छा, जब हम शिकार खेलने जाते हैं, हंटिंग करने जाते हैं, तो वहां पे जाके शिकार मार के ना आग जला के उसको बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसी तरह आग जलती छोड़ते हैं, जो बाद में काज ऑफ फायर बनता है। पिकनिक मनाने वाले भी जो है ना, इसमें भी अपना रोल अदा करते हैं, आग जलती छोड़ देते हैं, पीछे हवा आती है, वो आग आगे फैल जाती है। पहले ये जो स्टीम इंजन होते थे, ये भी काज ऑफ ये थे, लेकिन अब जो डीजल इंजन है, जो पुराने इंजन है, वो इससे ज्यादा धुआं छोड़ रहे होते हैं। अब आप अगर इन सब को देखते जाएं, तो हम सोसाइटी में हमारा क्या हाल हो रहा है। अच्छा, इसमें ये सबसे जो सोशल काज है, ये केयरलेसनेस ऑफ ट्रेवलर्स की, जो सिगरेट पी के सिगरेट बाहर फेंकते हैं और फिर वो काज ऑफ फायर बनते हैं। आप मोटरवे पे जाएं तो अक्सर गर्मियों में आपको आग लगी नजर आएगी दरख्तों के साथ साथ, वहां पे मोटरवे की साइड पे, वो सब इन सिगरेट वालों की वजह से, और माचिस की तीली फेंकने की वजह से। और कई जगह ऐसे हैं जो बच्चे शरारतन भी आग लगा देते हैं, जंगल को, घास को, ये वो, तो वो भी पोल्यूशन का बायस बनते हैं। सबसे ज्यादा जो इस वक्त वायोलेशन हो रही है, वो गाँव में हो रही है। अभी तक वो गोबर जलाया जा रहा है, और फिर गोबर जला के उसको रख के सारा दिन ये दूध काढ़ रहा है, और उसका धुआं हवा जा रहा है, फिर ऐसे जब फसल काटने के बाद उसको आग लगा देते हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल जिसको हमें रोकना चाहिए, ये जो फसलों को आग लगाते हैं, और जो मोटरवे पे जो आग ट्रेवल या फॉरेस्ट में जो आग लगती है, वो यहीं से ट्रेवल करती करती वो जाके जंगल में घुस जाती है। अच्छा, फिर जब थ्रेशिंग का सीजन आता है, साल में 2 दफा होते हैं, 1 दफा चावल की थ्रेशिंग होती है और दूसरी दफा गंदम की। जितनी रुथलेसली थ्रेशिंग ये हो रही होती है ना, उस जिस जगह पे थ्रेशिंग हो रही होती है, वहां से आपको वो आपकी वो विजिबिलिटी भी 0 हुई होती है, और सांस लेना भी मुश्किल हुआ होता है। ऊपर से पेस्टिसाइड का जो स्प्रे हो रहा होता है ना, उस पे हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, जो बाजार से पकड़ता है वो करके शुरू हो जाता है, और फिर वो उसको ये नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी हमने फजा में उस पे पौधों पे डालनी, ताकि वो हमारी एयर पोल्यूट पोल्यूट ना हो। वहां पे रुथलेसली उसका स्प्रे हो रहा होता है, और सारे फ्यूम फजा में जा रहे होते हैं। अच्छा, आगे होता था, माली होते थे ना, वो
पत्ते इकट्ठे करके ना उनको जमीन में दबा देते थे खाद। अब आप किसी सोसाइटी में चल जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी जगह पे चल जाएं, सुबह के वक्त या शाम के वक्त माली पत्ते इकट्ठे करके आग लगा देते हैं और पूरी सोसाइटी का सत्यानाश होता है। और कोई बंदा, कोई शख्स, कोई मोहल्लेदार, कोई घर वाला उन माली से नहीं पूछता, बच्चे ये तुमने आग क्यों लगाई है? ठीक है, बस हम बेहिस हो चुके हैं जिसकी वजह से पूछते ही नहीं है। तो आज से एक चीज करें कि आप उनसे पूछे सी, बेटा ये आग क्यों लगा रहे हो, क्यों माहौल खराब कर रहे हो? और हम अपने एक समय का, जैसे ये तस्वीर देख रहे हैं, तो घर के चारों तरफ हम इस तरह बैठे हैं आग के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, ये अब तीसरी वजह आ गई जिसमें हम लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। इस पे हमारा एक एनवायरमेंटल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इज स्लीपिंग, इनफेक्टिव, पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट इनका एक्ट है, लेकिन आप ये देखें, ये लोग बिल्कुल आपको कहीं पे काम करते नजर नहीं आएंगे। अब इनमें क्या है, इनमें कम्युनिकेशन गैप है, ये किसी डिपार्टमेंट के साथ ना, इनका लाइफ स्टॉक के साथ, ना इनका एग्रीकल्चर के साथ, ना इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, ना इनका कंस्ट्रक्शन वालों के साथ, ना इनका किसी के साथ लिंकेज है ही नहीं। ये अपने मन मौजी ऑफिस में बैठे हैं, बंदा आता है पेट्रोल पंप लगाना है जी, अच्छा 10 दरखत ला रही है उत्थे, ये लगाओ और ये लो NOC। ठीक है, अब वो 10 दरखत, वो 10-10 रुपए के 10 दरख्त लगा के वो अपना पेट्रोल पंप लगा देता है। हालांकि चाहिए कि उसको जगह मार करके दे कि ये इतने 100 दरख्त लगाने हैं और 3 साल इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर मरे तो तुम जिम्मेदार हैं दरख्त अगर मरे। लेकिन आप देखें कहीं पे भी किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी को भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपने इर्द गिर्द 100 दरख्त ही लगा लें। अब मैं क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरा तल्लक है, मैं अपना जब डायरेक्टर मार्केटिंग था तो मुझे हेड बना दिया था उसका, CSR का, कॉपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो मैंने इनके दफ्तर विजिट करता था, उनके जाता था, मीटिंग करता था, तो बड़े कैजुअल माहौल था उनका बड़ा। फिर मैंने एग्रीमेंट भी उनके बनाए, उनके सारा कुछ करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, हमने उनको ये ऑफर दी कि आप जब इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, तो फॉरेस्ट को रेफर करें, वो उनको एरिया मार्क कर दें कि ये आपका 50 एकड़ का कंपार्टमेंट है, इसको लगा दें और इसकी 3 साल की मेंटेनेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जुम्मे लगा दें। लेकिन इस तरफ आते ही नहीं, करते ही नहीं, बस वो NOC मिल जाता है। और अगर, और दूसरा हमारे पास स्मॉग एक्ट ही कोई नहीं, मजे की बात है, एक एनवायरमेंट एक्ट है, उसको भी हम मिस यूज कर रहे हैं। 1900, ये अगर स्लाइड देखें तो लॉस एंजलिस 1968 में बहुत बुरी हालत थी, फिर इन्होंने एक्ट बनाया। अब लॉस एंजलिस 2005 में, वहां पे आपको जरा भी आपको पोल्यूशन नजर नहीं आएगी। सिमिलरली पुअर लिंकेज, नो प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट डिसाइड योर प्रायोरिटी। अब हमें अपनी प्रायोरिटी तो करनी चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, एक कमेटी होनी चाहिए जिसको सुपरवाइज करे, प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइज करे, चीफ मिनिस्टर सुपरवाइज करे, और हर महकमे को एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भी ये चीजें होंगी तो आप जिम्मेदार होंगे। जब भी किसी को एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का सर्टिफिकेट देना है तो ये बैठ के डिसाइड करके, जब तक उसको ये दरख्तों के पैसे जमा नहीं करा देते या दरख्त लगाने की श्योरिटी नहीं दे देते या वो उसके फिल्टर नहीं लगाते, तो उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दे। और बगैर कंसर्न किए वो आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर नो अवेयरनेस कैंपेन इन कभी आप, अब आज टीवी पे मैंने देखा कि जी स्मॉग आ रही है जी, कुछ भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा जी, वो आप अपना धुआं कर लें। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं कि जैसे जी बसंत में गर्दन कट जाती है, बसंत बंद कर दो, और जी डबल सवारी है और किलिंग हो गई है, डबल सवारी बंद कर दो। अच्छा आप जी वो बट्ठे बंद कर दो, फलां चीज बंद कर दो, भी उसकी रेमडी लें। आप हर चीज बंद करके अपना अपने आप को बेरलजमिया करार देते हैं, ये क्रिमिनल रोल है ऑन आवर पार्ट, गवर्नमेंट पार्ट, हमारी सोसाइटी का जो हिस्सा है। और हमारा कोई स्मोकिंग एरिया नहीं है, हर जगह पे ये सारा दिन सिगरेटें चल रही होती हैं। अच्छा, ये जब जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है दुनिया भर में, मुझे याद पड़ता है 1971 में मैं अपने फादर के साथ त्रिबेला डैम गया, तो वहां पे मैं आई आस्क क्वेश्चन फॉर माय फादर
कि ये पानी क्यों छिड़की जा रहे हैं, हर तरफ पानी पानी छिड़क रहे हैं और ये किया, तो ही टोल्ड मी डेट के जो डस्ट पार्टिकल्स है इट्स इंजूरियस फॉर प्लांट, इट्स इंजूरियस फॉर मशीनरी, इट्स इंजूरियस फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ये कोशिश होती है कि मिट्टी ना उड़ने पाए। और इसी तरह चाइनीज भी काम कर रहे होते हैं तो वो मैंने देखा है कि पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं और पहले फिर वो गाड़ियां चलती हैं। अब आपने लाहौर में देखा होगा माशाल्लाह मेट्रो बनी, पहली दूसरी बनी, कहीं पे आपने पानी का छिड़काव देखा? सारा धुआं, सारे वहां पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई उनके साथ एग्रीमेंट नहीं, जो उन्होंने रूथलेसली लाहौरियों को खराब किया। अब लाहौर का शहर दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे आ गया जो स्मॉग अफेक्टेड है, एयर क्वालिटी 480 तक चली गई हुई है। अब मैं एक एबटाबाद गया ठंडियानी, तो एबटाबाद से जब मैं ठंडियानी की तरफ मुड़ा तो 3 किलोमीटर का ये पीस था जो बिल्कुल इसी तरह धुआं सफेद और ये वो। मैंने उनसे पूछा, बंदों से इंटरव्यू किया कि यार ये क्या, कहते जी इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने कहा ये खत्म कर दें, एक डिप्टी कमिश्नर लेडी आई थी उसने खत्म करने की कोशिश की बट उसकी ट्रांसफर हो गई, इसकी नहीं खत्म हुई। अब मुझे ये बताएं कि वो इतना वो नथिया गली का पोल्यूशन का बायस ये क्रशर लगे हुए, तो ये लगाने जरूरी थे या इसको रोक नहीं सकते जो इतनी बड़ी डेंजरस क्रिएट कर रहे हैं? इसी तरह आप ये भट्टियां लगी हुई हैं या ये चिमनी है, इसके ऊपर फिल्टर आए हुए हैं दुनिया भर में, फिल्टर लग जाए ताकि इंजूरियस गैसेस वहीं पे रुक जाए। अच्छा अब हमने क्या करना है, व्हाट डू आई डू नाउ, अब हमने क्या करना है? ये तो अब ये तो मैंने आपको सारा खुलासा बता दिया, क्या करना है, सोल्यूशन उसके क्या है? इसके सोल्यूशन चार सोल्यूशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स और अवेयरनेस। हमने ये रास्ता उठा के चलना है, हमने कैसे चलना है इसका तरीका बताऊंगा। तो ये अब आगे मैं इसके सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिवेंटिव मेजर्स स्मॉग के, नंबर एक ड्राइव लेस, कम से कम बाहर निकले। हम छोटे छोटे काम के लिए बार बार गाड़ी बाहर निकालते हैं। अच्छा फिर फ्यूल जब लेना है ना, आपने दोपहर के वक्त नहीं लेना, शाम के वक्त लें, क्योंकि सारे फ्यूल उड़ उड़ के हवा में जा रहे होते हैं। अपनी गाड़ियों को आपने वर्कशॉप भेज के उसके इंजन का जो धुआं निकलता है वो साइलेंसर उसके सही करवाएं, उसका इंजन ओवरऑल करवाएं, ये एक हमारी जिम्मेदारी है। फिर एक हर अदारा अपने एरिया में पानी का डस्ट एरिया पे स्प्रे करे। ये इसी तरह लाहौर में ये बैठे होते हैं, ये मशीनरी जाया हो रही होती खड़ी, तो हफ्ते में एक दिन ये पत्ते साफ कर दिए, डस्ट साफ कर दी, पानी छिड़क दिया, तो ये भी काज ऑफ स्मॉग में कमी करेगा। इसके अलावा जहाँ पे आप सड़क बन रही होती है वहां पे आपका वो स्प्रे पानी के टैंकर से पहले स्प्रे करके ताकि डस्ट ना उड़े। पुराने जमाने में मुझे याद पड़ता जब हम छोटे होते थे तो शाम के वक्त बाहर सेन में हम पहले पानी लगाते थे ताकि जमीन ठंडी हो, फिर बाहर भी गली के आगे हम लोग पानी छिड़कते थे, और फिर चार पहिया छत पे होते तो छत पे भी पानी छिड़कते थे और चार पहिया डालते थे। अब तो हम अपने पानी छिड़कना ही घर के, अगर आपका 60 फुट का सामने फ्रंट है तो 60 फुट पे अगर शाम के वक्त आप पानी छिड़क दें तो सारे घर वाले जितने घर हैं तो आपकी सड़क पे कभी धुआं और कभी मिट्टी उड़ेगी। अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो वोलाटाइल केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इस वक्त हम लोग मार खा रहे हैं, ये जो हम पेंट बाहर दीवारों पे पेंट कर रहे हैं, ये अपने घरों के बाहर पेंट कर रहे हैं, ये हम हाईली नेगेटिव पेंट। आप चले जाए इधर जनरल हॉस्पिटल के पीछे तो पेंट जेली पेंट लाइन लगी होती है और उसमें वो उनके कोई ग्रेडियंट्स कोई चीज जिसपे वोलाटाइल ऑर्गन जो है ना कंट्रोल हो। बाहर के मुल्कों में इंटीरियर लो वोलाटाइल कार्बन वगैरह कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। अब आप कमरे में अंदर दरवाजों को पेंट करते हैं, दो दो तीन तीन महीने आप उसके फ्यूम्स ही सूंघते रहते हैं जो हवा में चल रहे होते हैं। तो ये एक तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अब दूसरा आप हर गली मोहल्ले में फ्रिज में गैस भर रहे हैं, लीक हो रही है, फ्रिज हो रही है, ये सारी
ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड क्लोरोकार्बन्स हवा में जा रही है। अब देखते जाएं हो क्या रहा है, आगे आगे चलते हैं। तो आगे फिर आप चल जाएं, सड़क बन रही थी उसके फ्यूम सारे जा रहे, एडहेसिव जितने हैं इसके अंदर जो आप फ्यूम्स उड़ रहे होते हैं वो इकट्ठे हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर चारकोल लाइटर फ्लूड, फिर सिगरेट लाइटर फ्लूड आप लगा लें कि हम सिगरेट जलाने के लिए जब लाइटर चलाते हैं तो उसके फ्यूम्स जा रहे होते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट सीमर्स जितने हैं उनके फ्यूम्स, इसको बेंजीन कहते हैं, जो वो भी हवा में जा रहे होते हैं। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स जो वो भी हवा में जा रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं वजह से बता रहा हूँ कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आप घर के पानी की टैंकियां अगर आप देखें, ऊपर टैंकियां पड़ी हैं, वो सारी गली मोहल्लों में बन रही होती है। और जब कभी उसका बनता हुआ प्रोसेस देखें तो मिथिलीन क्लोराइड उसमें इस्तेमाल होती है, जो रुथलेसली अपनी एयर में जा रही होती है। ड्राई क्लीन की दुकानों का वो गैस है पैराक्लोरोथीन, और ये सारा जो मेरे नाम इसके फॉर्मलाडीन हाइडीन, ये जितनी गैसेस है ये रुथलेसली इस्तेमाल हो रही हैं और जो फजा में जा रही है। अच्छा, ये आप अक्सर दुकानों पे हार्डवेयर की दुकानों पे शीटें पड़ी देखते हैं। अच्छा, ये सारी शीटें बनी होती हैं उसकी इसमें रेजोनेंट मटेरियल पार्टिकल्स बोर्ड चिप बोर्ड कोटिंग हुई होती है। अब ये जब बाहर पड़ी होती है, इसमें धूप पड़ती है तो सारे फ्यूम इसके हवा में जा रहे होते हैं। अच्छा, अब जितने हमारी ये इस किस्म के पीटर पंप, इस तरह के जो घास कटर वाली मशीनें सारी धुआं दे रही होती है, तो बेहतर है कि कोशिश अभी, अब ये जो स्टेज है ये हम लोग बहुत लेटर स्टेज पे जाके आएंगे कि हाइब्रिड कारें ले लें या प्लग वाली लाइट्स ले, ये अभी मुमकिन नहीं है हमारे मुल्क में। अब स्टॉप स्मोकिंग, एटलीस्ट फॉलो नो स्मोकिंग साइंस। अब जहाँ पे नो स्मोकिंग है उसको तो फॉलो करें। हम तो हॉस्पिटल में बैठे सिगरेट पी रहे होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में कई दफा देखा डॉक्टर सिगरेट पी रहे होते हैं, कहीं भी चले जाएं सेंसिटिव एरिया में वहां पे सिगरेट चल रही होती है। यहाँ पे हमारे ऑफिस में, हालांकि ऑफिस में सिगरेट पीना मना है, लेकिन वहां पे किसी कमरे में चले जाए उस ऑफिसर के तो धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। इसी तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खुले छोड़ के चले जाते हैं, लाइटें भी खुली छोड़ी होती हैं, हैवी लाइट्स भी, वो भी गर्म होके फजा में चीजें उसको वो अमिट कर रही होती हैं। अच्छा, फिर इस तरह ये जो लकड़ी जला के लकड़ी का जो ये अगर आप स्लाइड देखें तो ये छोटे जो जिसे कहते हैं ना लकड़ी के तैयार करते हैं वो जो कारपेंटर है, और उन छोटों को बाद में आग लगा के तो उसको जला रहे होते हैं। अच्छा, फिर सिग्नल फ्री रोड्स होनी चाहिए। अब हमारी सिग्नल फ्री रोड एक ही है, वो जेल रोड है पाकिस्तान में लाहौर में। और आपको जान के ये बड़ी मजेका लगेगा, मजेका खेज खबर होगी, आपको हंसी आएगी कि सबसे बैड एयर पोल्यूशन जो है ना, एयर इंडेक्स क्वालिटी, वो जेल रोड की है 485 सबसे ज्यादा, हालांकि सिग्नल फ्री है। तो ये गाड़ियां खड़ी हैं और उनका धुआं फजा में जा रहा है, स्लो ट्रैफिक है। फिर हमारे यहाँ पे डस्ट मैनेजमेंट, ये वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लांट नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट उसके वो घर के बाहर चीजें फेंकी होती हैं, वो फिर कोई उठाने वाला कोई नहीं, कोई उसका जाके बाहर इकट्ठी करके उसको आग लगा देते हैं, वो सारा हवा में जा रहा है। इफेक्टिव ऑफ व्हीकल एग्जामिनर डिपार्टमेंट, बिल्कुल कोई, ये महकमा तो काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल, गाड़ियों को चेक करने वाला कोई नहीं। कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट तो आपके वो तो रिवाज ही नहीं रहा। हम जब बचपन में टांगे पे जाते थे तो साल में एक दफा टांगे, जब मैं टांगा नवा करान चल रहा है कि ये उसमें इसमें पेंट पूंट करा के वो चेक करा के पास सर्टिफिकेट लेना है इससे। गाड़ियों का भी यही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कोई इस चीज को अब देखता ही नहीं कोई। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमें क्या लेने हैं? अब एक तो हमने एक इनको जगाना है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की, इनकी इनको पकड़ के झंझोड़ के, जब जैसे ना माँ बच्चे को उठा के उसको सुबह के वक्त अगर नहीं उठता तो एक मुंह पे चपेट भी डाल देती है, इस तरह इनको उठाना पड़ेगा। और फिर हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमल करना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनका ये देखें, इनका एक लेबर राइट्स है, एक एनवायरमेंटल कंडीशन है, एक ह्यूमन राइट्स है, पॉवर्टी एलिवेशन, इस पे सब पे काम हो रहा है, मास वाय ये एनवायरमेंट कंडीशन पे ये काम कर ही नहीं रहे।
जब तक हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम नहीं करेंगे, जितने स्टेक होल्डर्स को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, एक जॉइंट कमेटी नहीं बनाएंगे, पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पाकिस्तान फॉरेस्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इकट्ठे नहीं होंगे, ज्वाइंटली काम नहीं करेंगे, ये कभी भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, फिर ये एक EIA, ये मजाक बना हुआ हमारे मुल्क में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये हर जो फैक्ट्री जिसने भी लगाना है उसकी वहां पे बकायदा असेसमेंट होती है कि जी यहाँ पे वो उस कितना वहां पे पोल्यूशन होगा, कितनी गैस निकलेगी, कितनी कार्बन आएगी, कितनी वहां पे होगी, और फिर वहां पे उसको खत्म करने के लिए कितने दरख्त होंगे। तो हमारी EIA स्टडीज जो है ना, ये कमरों में बैठ के की जाती है, यहाँ पे कोई मौके पे जा जाती है, आखिर पे ना वो एक फर्जी सी बना के उसको हक में उसके दे दिया जाता है। जो पटियाला की जो हाईवे बनी थी, जो मरी एक्सप्रेस वे है, इसकी जो इम्पैक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये प्राइवेटली करवाई गई थी नेस पार्क से, तो उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, ये पोल्यूशन का काज बनेगा। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे जोरलाल साहब, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था, उन्होंने इसको रियलाइज किया था, बट लेटर ऑन दिस प्रोजेक्ट वाज क्लियर्ड एंड इसको बना दिया गया। अब जाके आप देखें कितनी लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, कितने वहां पे हशर हुआ पड़ा है मरी का। मरी तो हर साल दो साल के लिए एक इंच नीचे सरक रहा है और सारी पोल्यूशन उसकी नीचे आ रही है। अब रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज की रेमेडी सिर्फ दरख्त है, बाकी चीजों के अलावा बिसाइड ये हमारे जो सोशल, तो उसको तो कोऑर्डिनेट करते नहीं है। कोऑर्डिनेशन ऑफ EPD यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये ज्वाइंट रोल जब तक नहीं होगा ये काम कभी भी सुधरेगा नहीं। अब स्मॉग एक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले मैंने बैठ जाना चाहिए, स्मॉग एक्ट बनाना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सख्त एक्ट होना चाहिए कि अगर ये बना होता ना तो आपका कोरोना भी नहीं फैलना था। अभी भी आप कोरोना को देख लें, हम कितना कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आपने अपने मास्क क्यों नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग। कल मैं जुमा पढ़ने गया, मौलाना साहब सबको कहते हैं कंधे पे कंधा जोड़ के खड़े हो जाए, जगह नहीं छोड़नी सारे, और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, और टीवी पे चल रहा था कि ये वेव दोबारा आ गई है, और वहां मौलाना साहब कंधे से कंधा जुड़ा रहे थे। तो ये क्या, ये धज्जियां उड़नी उड़ी उसकी कानून की, तो ये भी कोई पूछने वाला कोई नहीं। अब क्रिकेट टीम आ रही है जिम्बाब्वे की, अब आप देखिएगा उसको सिक्योरिटी देने के लिए इतना गंदा प्लान बनाएंगे कि पूरा लाहौर चौक हो जाएगा, पूरा लाहौर चौक हो जाएगा, और जो 24 घंटे गाड़ियां का धुआं जो ना फजा में जाएगा, इतना पुअर नो गो एरिया बना के। ओ बाबा, आप लोग खुदा के लिए इस चीज का ख्याल करें, इस चीज को इनको समझाने वाला कोई नहीं। सड़क बंद करके और ये शुरू हो जाते हैं, पूरी सड़कें बंद करते हैं, भी आप कजाफी स्टेडियम को घेर लें उसके अंदर, बस वहां तक रखें, सड़कों को तो खुला रखें। ये तो आपकी इंटेलिजेंस, इसकी नेग्लिजेंस है कि आप पूरा शहर बंद कर देते हैं। इसके बाद इनक्रोचमेंट्स, अब हर जितना कारोबार जितना हो रहा है वो सारा सड़कों पे हो रहा है, ना टैक्स, ना बिजली का खर्चा, ना रेंट, ना कुछ, और शाम को 4-5 हजार कमा के हम लोग जा रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं ट्रैफिक का। तो परमानेंट मेजर्स क्या है, परमानेंट मेजर्स जो इसके ना, वो ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रीनरी है, ओनली एंड ओनली सोल्यूशन। दरख्त जो है ना, यू हैव नो फ्यूचर विदाउट मी, ये दरख्त कह रहा है, लेट मी लिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक फिल्म का जो जज्बाती क्लाइमैक्स होता है ना, ये इस प्रोग्राम का क्लाइमैक्स है कि यू हैव नो फ्यूचर विदाउट मी, लेट मी लिव। तो ये हमें सबसे पहले इसको देखना। अब ये देखें दरख्त, ये जो पहली जो साइड है वो बगैर, ये जो नजर आ रही है बगैर दरख्तों के है, और ये दरख्तों का। अब ये क्या होना है कि ये सारी इसकी मिट्टी बारिशों में सारी बह जाएगी और नीचे से रॉक्स निकल आएंगे, और ये फिर इस तरह ये दरख्त खड़े हैं ये, और फिर बाद में ये बिल्कुल ये हाल हो जाएगा।
हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। उनको अगला फ्यूचर क्या दे रहे हैं सिवाय बीमारियों के, सिवाय उनके जो कह रहे हैं कि जो बर्थ हो रही है उनको डिफेक्टिव बर्थ, वो बच्चे दे रहे हैं हम, स्पेशल बच्चे बना रहे हैं। हमारे जो बाबू जदाद थे उन्होंने अपना रोल अदा किया, और अब हमारी बारी है रोल अदा करने की, तो गवर्नमेंट की तो जो ही नहीं है। इसके बाद आ जाए कि दरख्त ना कट रहे थे अपने इर्द गिर्द, जब भी देखें किसी को तो ये जो दरख्त है ना, ये अब सोसाइटी है जो पकड़ के दरख्त को काट रही है, ये बला, ये सोसाइटी, ये हम लोग हैं जो सोसाइटी वाले। अब प्लांट अ ट्री एंड एड अ न्यू फ्रेंड इन योर लाइफ। व्हाई शुड प्लांट अ ट्री, हु कैन प्लांट अ ट्री, बेनिफिट्स ऑफ प्लांटेशन, व्हाई स्टूडेंट प्लांट अ ट्री, ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब ये दरख्त जो है ना, ये लंग्स हैं इस अर्थ के। आपका जब चेस्ट खराब होती है, लंग्स खराब होते हैं, तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। इसी तरह ये दरख्त मेडिसन, ऑक्सीजन, वाटर, फूड और लाइफ देने में काम करते हैं। लंग्स हैं हमारे। इसी तरह ये फल भी दे रहे हैं, इसी तरह ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी रख रहे हैं, अरूजन को भी रोक रहे हैं। ट्रीज एक्ट एज विंड ब्रेकर भी है, ये रोक के मिट्टी की आपको रुकावट भी पैदा कर रहे हैं। फिर ये पानी को ऊपर से स्लो लेके आके आपकी मिट्टी ऊपर से डैमों को फिल करने से रोक रहे हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय ट्रीज, अब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन की रिलीज है। सो कार्बन ट्रैप करता है दरख्त, और फिर स्टोर करता है, स्टोर यानी कि इन शेप ऑफ वुड, ठीक है ना। अब देखें ना दरख्त का रोल देखें, एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने जजब कर लिया, दूसरा ऑक्सीजन वो दे रहा है, तो कितना रोल है। अब अगर ये हम कम कर देंगे, ऑक्सीजन बैंक है ये दरख्त, नहीं तो फिर नेक्स्ट हमारे मुंह पे मास्क होगा, जैसे ये मास्क है, और ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे लटक रहा होगा, और आप जैसे अपना टेलीफोन रिचार्ज करते हैं, इस तरह आप ये भी रिचार्ज करेंगे अपना ऑक्सीजन बॉक्स। ये फल भी देता है, ठीक है, ये पानी साफ, दरख्त हमें साफ क्लीन ट्रीज देते हैं। ये देखे कितने, ये आप देखे वहां पे, ये कह लें कि मरी में आप चले जाए सुबह के वक्त, आपको इस तरह का नीला आसमान नजर आएगा जो लाहौर में आपको नीला नजर ही नहीं आता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये अब परिंदे, चहचहाने, ये कीड़े मकोड़े, बायोडाइवर्सिटी, शहद, ये खुम्बियाँ, लाइफ स्टॉक, स्माइल मारे। अब हु कैन प्लांट दी ट्रीज, एवरीवन। हम भी बासियत सोसाइटी भी हम इसको दरख्त लगा सकते हैं, फैमिली भी लगा सकते हैं दरख्त। एक फैमिली 5 दरख्त लगाती है साल का, तो वो संभाल रही है। अकेले भी आप एक दरख्त लगा के संभाल सकते हैं। और ये जब तक हम ये जो मॉडल देख रहे हैं, आप अगर गौर से अगर देखें तो ये मॉडल जब बनाएंगे हम, अपने हाथ में भी पौधा, अपनी कमर में भी पौधा लगाएंगे, तो ये स्मॉग को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी अगली नस्लें जो है ना वो कर्ज करेंगी। अब अवेयरनेस कैंपेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हर बंदा अपना रोल प्ले करे। जो यहाँ बैठा, जैसे ये मेरा प्रोग्राम है, इसको आप शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं अपने आगे बढ़ाएं। ये सोशल मीडिया का तो यही फायदा है। अच्छा, फिर जहाँ बैठे हैं आप, आर्टिकल्स हैं, ब्रोशर्स हैं, ये प्राइमरी स्कूल लेवल पे बच्चों को, मैं तो बच्चों को लेक्चर, ये कॉलेज स्कूल में ये लेक्चर जरूर देता हूँ, सिलेबस का हिस्सा बना दें, आपकी गेम्स का हिस्सा होना चाहिए ये, और सिनेमा स्लाइड्स में भी चले, पब्लिसिटी विंग इसको चलाए, एनजीओ इस पे काम करें, और इस पे हर बंदा अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रोल प्ले करे। इसके स्मॉग के वाले से मास्क और पंपलेट भी तकसीम किए जाने चाहिए, ये डबल इफेक्ट होगा, कोरोना से भी बचत और स्मॉग से भी बचत। और बच्चों को खास तौर पे अवेयरनेस जरूर देनी है क्लासेस में, स्मॉग के दिनों में उनको मास्क हर हाल में पहनने चाहिए, और फॉरेस्ट फायर को के बारे में गवर्नमेंट को संजीदा लेना चाहिए। मेरा तल्लुक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है जंगल को रोकने के लिए, आग को रोकने के लिए, फिर भी दुनिया में सबसे एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर सिर्फ पाकिस्तान में ही है, नहीं तो अमेरिका में चल जाए तो महीना महीना वो ना। कभी आपने सुना है
कि आग 10 दिन बुझी नहीं, 4-5 घंटे में हम लोग आग बुझा लेते हैं, और फिर अवेयरनेस तकरीरें और ये वो। सो आखिर पे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस प्रोग्राम को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इसको फॉरवर्ड भी करना है और इस पे अमल करना है। और जब भी जिस मीटिंग में भी जिस महफल में भी आप बैठे हो, बराए मेहरबानी बच्चों को समझाएं, मालियों को समझाएं, लोगों को समझाएं, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं कि स्मॉग का क्या नुकसान आता है, क्या फायदे हैं। तो ये मैं आखिर पे आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।